तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एडिटिंग तो मेरे से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि डार्क ब्लैक वाली प्रसिट लाइट रूम की आप एडिटिंग बताओ कि आप उसे एडिट कैसे कहते हो तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस एंड सो डोंट स्किप द वीडियो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो so, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एम ए सिलेक्ट कर ली है तो so, फर्स्टली आपको यहाँ पर कंट्रास्ट जो है उसको थर्टी वन पे प्लस पे रखना है तो so, आप कंट्रास्ट को थर्टी वन प्लस पे रख देना और उसके बाद हाईलाइट को माइनस थर्टी वन पे रखना सॉरी थर्टी फोर पे रखना और उसके बाद शेडो को हमें फोटी सिक्स प्लस पे रखना है तो मैंने पहले अपने वीडियो में काफ़ी इसको बताया हुआ है कि आ, कौन सा फंक्शन किस चीज़ के लिए काम करता है तो आप उसको ऐसे तरीके से रख सकते हो और उसके बाद आपको वाइट को माइनस थर्टी टू में रखना है और उसके बाद आपको ब्लैक को प्लस सिक्सटी में रखना है तो जो ब्लैक होता है ना वो आपकी इमेज में अगर कोई ब्लैक बैकग्राउंड है या फिर आपका कोई आपने कोई ड्रेस पहनी है तो उसको वो डार्क कर देता है तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटिंग पे चलते हैं तो हम लोग यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और उसके बाद सो so फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेंस वाले पे आ जाना है और आपको इसको थर्टी फोर रखना है तो थर्टी फोर रखने के बाद आपको यहाँ पे सिचुएशन को भी हमें सिक्स पे रखना है सा हाँ सिक्स पे रखने के बाद आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे आना है तो फर्स्टली जो रेड है उसको आप यहाँ पे माइनस थर्टीन करो यू जो है वो आप माइनस थर्टीन और सेचुरेशन को प्लस थर्टी सिक्स रखना आ, तो ये लिपस्टिक वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है और लिमिनेंस को हमें माइनस ट्वेल्व पे रखना है माइनस ट्वेल्व और उस पर आपको यहाँ पे ऑरेंज पे आना है ऑरेंज को हमें यहाँ पे प्लस नाइनटीन रखना है यू को और सेचुरीशन को माइनस थर्टी फाइव रखना है और ल्यूमिनेंस को हमें फोटी प्लस रखना है तो आप तो खुद ही इफ़ेक्ट यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ऑरेंज स्किन टोन के लिए ही होता है नेक्स्ट हमें यहाँ पे येलो पे आना है तो येलो का जो यू है वो पूरा माइनस हंड्रेड और सेचुरेशन को माइनस थर्टी पर रखना है और ल्यूमिनेंस को एलेवन प्लस पे रखना है एलेवन प्लस पे और उसके बाद आपको हमें नेक्स्ट आना है ग्रीन वाले पे तो ग्रीन में जो से सेचुरेशन है आप उसको यहाँ माइनस हंड्रेड यू को माइनस हंड्रेड कर सकते हो नेक्स्ट हमारा जो ब्लू है उसको भी यहाँ पे सेचुरेशन को माइनस हंड्रेड ब्लू को माइनस हंड्रेड और ये पर्पल वन को भी माइनस हंड्रेड और ये पिंक को भी माइनस हंड्रेड तो इमेज देख रहे आप हो आप काफ़ी ज़्यादा एडिट हो गई और पहले से काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क भी आ गया तो जो कलर है यहाँ पे वो चेंज हो गया है तो नेक्स्ट हम लोग अपने एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन में और आपको यहाँ पे आना है और उसके बाद सो so, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है जो हमारा क्लैरिटी है उसको फोर्टी वन पे रखना है तो क्लैरिटी का मतलब होता है आपकी इमेज थोड़ी ब्लर है तो आप उसको मतलब थोड़ा अच्छा कर देगा आपको यही चीज़ है और यहाँ पे विग्नेट को हमें माइनस फोटीन पर रखना है और ज़्यादा नहीं रखना माइनस फोटीन पर और डीएच को फोर पे रखना है हमें इसे हल्का सा बढ़ाना है जल्दी बढ़ता भी नहीं है सो so, इसे हमें हल्का सा फोर पे या फ़ाइव पे रख सकते हैं आप तो इसको यहाँ पे रखना है और नेक्स्ट हमें यहाँ डिटेल वाला ऑप्शन में आना है उसके बाद आप जो, जो देख रहे हो उसमें आपको जो शार्पनिंग है उसको ट्वेंटी पे रखना है और रेडियस को वन पॉइंट जीरो खुद हो जाएगा सो so, इतना करने के बाद आपको नॉइज़ रिडक्शन पे आना है और इसको हमें थर्टी फाइव करना है तो ये सब आपके इमेज में पूरी क्लियर क्लैरिटी कर देता है इसलिए आपको ये करना रहता है तो यहाँ पे आप थर्टी फाइव कर सकते हो सो कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हम इसमें हल्का सा टेन एलेवन कर देंगे तो सो एज यू सी पिक्चर जो है हमारी वो पूरी एडिट हो चुकी है आप जो देख रहे हो पूरी इमेज की क्लैरिटी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितना हमारे इमेज में डिफरेंस आ रहा है तो ये हमारा एक प्रिसेट रेडी हो गया है और सो तो जो ये इमेज है वो फुल एडिट हो चुकी है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना आप जस्ट इसको दूसरे इमेज पे कॉपी सेटिंग पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो सेम टू सेम वैसा ही प्रीसेट आपके दूसरे इमेज पे लग जाएगा जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो सो दैट्स ऑल दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एडिटिंग सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बाय बाय